Hello to all members. Today we start the new topic from business environment. Business environment is the main topic, and today we discuss four subtopic, that is World Trade Organization WTO, GATT, TRIPS and TRIMS. जो WTO है ये हमारा सेकेंड पार्ट था. GATT के बाद आपको ऑलरेडी पता है कि जो GATT है वो हमारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, देन WTO, देन TRIPS एंड देन TRIMS. तो ये फोर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक में. सो फर्स्ट वी स्टार्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज यू नो इसका क्या मीनिंग है. जैसे हमारा पॉइंट आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्डली ट्रेड को ऑर्गेनाइज करती है, जैसे अब हमारा एक स्टेट होता है, स्टेट के अंदर जो हमारे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो एक लिमिटेड एरिया तक ही विजिबल होते हैं. बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक नेशन की नहीं, एक कंट्री की नहीं, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने की, कि कैसे हम उसको डील कर सकते हैं. सो यहाँ पर हम डील करते हैं विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, क्योंकि एक नेशन के रूल अलग हैं, दूसरे के अलग. तो हम सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर डील करते हैं विद द सेफली एंड पीसफुली ट्रेड करने के लिए. सो एज इट हर्ड आर द WTO एग्रीमेंट negotiated and signed by the bulk of the world trading nations and ratified in their parliaments. By chance, अगर कोई dispute हो जाए तो उस केस में यहाँ पर ये अच्छे से उसको sort out भी करते हैं with the rules and regulations. तो इनका main goal क्या है World Trade Organization का बनाने का, कि ये help करते हैं producers of goods and services, exporters and importers conduct their business. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा ऑफिशियली अनाउंस हुआ था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ऑफिशियली अनाउंस हुआ था ये 1 जनवरी 1995 को. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा 1 जनवरी 1995 को ही और स्टार्ट हुआ था. ये वाली डेट आपकी मोस्टली पूछी जाती है एग्जाम में, और यहाँ पे हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ था. और ये साइन किया था यहाँ पे 123 नेशंस ने. स्टार्टिंग में कितने नेशंस ने यहाँ पे साइन किया था, 123 नेशंस से. कब किया था, 15th अप्रैल 1994 को, मतलब जब ये कमेंस हुआ था उससे पहले ही 123 नेशंस ने यहाँ पे क्या कर दिया था, इसको स्टार्ट कर दिया था, कंप्लीट हो गया था. उसके बाद अब देखो यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिप्लेस किया था. कैसे किया था, पहले हमारा था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही मैंने आपको बताना था. कि यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि GATT पहले आया था कि WTO. ध्यान से देखेंगे जो WTO है वो हमारा स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1995 को, और जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है ये हमारा आया था 1948 को. तो यहाँ पे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड दिस इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1948 में, एंड WTO हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में. जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को जनरली रिप्लेस किया था WTO ने. अब इसके बाद आपको यहाँ पे बताए हुए हैं करंट डायरेक्टर, ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि करंटली अब WTO करंट डायरेक्टर कौन है. तो दिस इज रॉबर्टो अज़वेडो, हु लीड अ स्टाफ ऑफ ओवर 600 पीपल. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो इनके डायरेक्टर हैं वो हैं रॉबर्ट अज़वेडो, एंड वो जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 600 स्टाफ मेंबर को. ठीक है, कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, क्या जहाँ पे इनका मेन ब्रांच है, किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कुछ फंक्शंस हैं जो WTO प्रोवाइड करते हैं. जैसे हमारा नाम से पता लग रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला सकते हैं, जैसे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो यहाँ पे अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स को वो यहाँ पर सेटल करते हैं. उसके बाद WTO कुछ एडमिनिस्टर करते हैं ट्रेड पॉलिसी मैकेनिज्म, एंड यहाँ पे ये देखिए WTO शैल फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन एंड फर्दर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड ऑफ द
multilateral trade agreement and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation of the multilateral trade agreement. What is the multilateral trade agreement? जैसे हमारे दो या दो से ज्यादा countries जब trade करती हैं आपस में, तो this is called multilateral trade agreement, जहाँ पे एक से ज्यादा trade agreements included होते हैं. और ये agreements किसके अंदर होते हैं? World Trade Organization के. अब जो World Trade Organization है, उनको funds की भी important बहुत जरूरी है, तो इनका funds कौन provide करता है? That is IMF, जो कि cooperate करते हैं with WTO and with the International Bank for basically IBRD. तो ये question भी आ सकता है कि WTO के under हमारी कौन सी funds होते हैं, तो आपको याद रखना है IMF and IBRD. This is the most affiliative agencies जो provide करती हैं WTO को finance. Next है हमारा GATT. Yes, मैंने आपको पहले ही बताया था कि GATT को रिप्लेस किया था WTO से. तो बेसिकली द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन मेनी कंट्रीज हुज ओवरऑल पर्पस वाज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ और कोटा. सो बेसिकली द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था, उसकी एक लिमिटेड बाउंड्री थी कि जस्ट आपको जो भी कोई आपके यहाँ पे ओवर डिस्प्यूट हो जाए, ट्रेड बैरियर्स हो जाए, तो हमें उसको ओवरकम करना है. दिस इज द मेन एग्रीमेंट एंड मेन ऑब्जेक्टिव होता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का, जिसको अब रिप्लेस कर दिया है WTO से इन 1995 में. तो यहाँ पे इनका बैरियर्स किससे रिलेटेड होते थे? सच एज टैरिफ एंड कोटास. सो अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीएम्बल, इट्स पर्पस वाज द सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स एंड द एलिमिनेशन ऑफ प्रेफरेंसेस ऑन अ रेसिप्रोकल एंड म्यूचुअली एडवांटेजेस बेसिस. अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि GATT कब स्टार्ट हुआ था, डिस्कस ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड ये स्टार्ट हुआ था आपका जेनेवा में. 23 नेशंस यहां पे इसके अंडर थे, वहां पर WTO में कितने थे? 144 थे. ठीक है, ये आपको याद रखनी है एक एक लाइन यहां पर का. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी 8 मीटिंग्स हुई थी, ये आपको जरूर याद रखना है कहां कहां पे हुई थी. मैंने आपको यहां पे इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है, ये देखिए. फर्स्ट मीटिंग हुई थी यहां पे जेनेवा में, और कहां कब हुई थी? अप्रैल 1947. ड्यूरेशन 7 मंथ्स की मीटिंग चली थी, 23 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड थी. सब्जेक्ट हमने यहां पे कवर किया था टैरिफ का, और इनकी अचीवमेंट हो गई थी यहां पे, इनको साइनिंग हो गया था GATT का, और 45,000 टैरिफ कंसेशन अफेक्टिंग 10 बिलियंस ऑफ ट्रेड. तो ये यहाँ पे अचीवमेंट हो गई थी. सेकंड यहाँ पे मीटिंग हुई थी एनएनसी में, ठीक है, ये आपको याद रखनी है. जेनेवा मीटिंग है, जेनेवा राउंड है, एनएनसी राउंड है, और ये हुआ था अप्रैल 1949 में. 5 मंथ्स की मीटिंग चली थी, 34 कंट्रीज इंक्लूडेड थी. सब्जेक्ट हमने टैरिफ ही कवर किया था. कंट्रीज एक्सचेंज सम 5000 टैरिफ कंसेशंस. तो यहाँ पे आपके लिए मैंने ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 अराउंड से, इनमें से जो आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं हमारे अरिगरी, जो अरिगवा राउंड है, 8th मीटिंग है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी मीटिंग हुई थी, जो कि सितंबर 1986 में हुई थी. 87 मंथ्स ये चली थी, और उसके बाद 123 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी. सब्जेक्ट कवर हमने क्या किया था? मोस्टली कवर्स हमने यहाँ पे किए थे टैरिफ, नॉन टैरिफ, रूल, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑल्सो, डिस्प्यूट सेटलमेंट, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, क्रिएशन ऑफ WTO. तो हमने यहाँ पे ये सारे कवर, अपने जो भी हमारे मेन टॉपिक्स थे, तो वो हमने यहाँ पे कवर किए थे. उसके बाद हमारा यहाँ पे अचीवमेंट भी आप देख सकते हैं कि हमें क्या कौन सी अचीवमेंट हुई थी. देखिए, द राउंड लेड टू द क्रिएशन ऑफ WTO एंड एक्सटेंडेड द रेंज ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन लीडिंग टू मेजर रिडक्शन इन टैरिफ्स. टैरिफ्स कितना कम हो गया था? अबाउट 40%. एंड एग्रीकल्चर सब्सिडीज ऑल्सो प्रोवाइड हो गई थी. एंड एग्रीमेंट टू अलाउ फुल एक्सेस फॉर टेक्सटाइल एंड क्लोथ ऑल्सो फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप कंट्रीज ऑल्सो. तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी जो हमें अरिगवे राउंड में मिली थी, जो कि आपका 8th राउंड था, और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं. बट मैंने फिर भी आपको टोटल इनकी 9 मीटिंग्स हुई थी इन GATT के अंडर, तो वो आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है. जो इनके मेन ऑब्जेक्टिव जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको सिर्फ यही आएंगे कि कब स्टार्ट हुई थी, कब क्या ड्यूरेशन थी, कौन सा सब्जेक्ट कवर किया था, अचीवमेंट क्या हुई थी. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट.
नेक्स्ट इज ट्रिप्स एग्रीमेंट. ट्रिप्स द फुल फॉर्म इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? जैसे हमारे यहाँ पे गुडविल है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे हमारे जो एग्रीमेंट होते थे, जैसे वर्ल्ड ट्रेड है, उसमें हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है और हमारे जो फिजिबल है वो भी है. बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी इनविजिबल या आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ही यहाँ पे साइन करते हैं बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज. तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनता है अंडर द WTO. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको ये याद रखना है कि जो ट्रिप्स है वो भी हमारा WTO में है और ट्रिम्स भी WTO में है. उसके बाद हमारा पॉइंट आता है इट्स सेट डाउन द of minimum standard for the regulation by nation government of many forms of intellectual property as applied to nationals of others WTO member nations. ये कब हुई थी आपको ये पता ही होगा, अरिकुआ में. आपको अभी अभी मैंने आपको दिखाया ना कि वहां पे हमने intellectual property की भी settlement की थी, तो वो हमारे कौन से round में हुई थी? 8th round में हुई थी, जिसको बोला गया है अरिकुआ round. आपको याद रखना है. और ये कब हुई थी? General agreement और tariff and trade में हुई थी. इसकी आपको मैंने full detail दे दी है already. The TRIPS agreement introduced intellectual property law into the multilateral trading system for the first time and remain the most comprehensive multilateral agreement on intellectual property to date. नेक्स्ट लास्ट इज ट्रिम्स एग्रीमेंट. जैसे हमने ट्रिप्स पढ़ा वैसे ही आपका ट्रिम्स है. ट्रिम्स में रहता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स, जो कि हमारे इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जब अप्लाई करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो ये एग्रीमेंट वहां पर साइन होते हैं. ऑफन इज पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी. द एग्रीमेंट ये स्टार्ट कब हुआ? 1994 में, जो कि निगोशिएट होता है अंडर द WTO प्रेडेसेसर. याद रखना है ट्रिम्स ट्रिप्स आपका अंडर द WTO है. और ये कब हुआ था हमारा स्टार्ट? ये बेसिकली जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में ही हुआ था, जब WTO उससे पहले ही हुआ था. एंड केम इनटू फोर्स इन 1995, बट स्टार्ट ये तब हुआ था जब WTO आ था. तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो ट्रिप्स है वो तो पूरा WTO में ही हुआ था, बट जो ट्रिम्स है वो आपका जनरल एग्रीमेंट मतलब GATT में भी हुआ था और WTO से प्रीडेसर था. तो ये आपको याद रखना है. और इस एग्रीमेंट के अंदर वाज एग्रीड अपॉन बाय ऑल मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जितने मेंबर से उन्होंने यहाँ पे इसको एग्री किया था, इज वन ऑफ द फोर प्रिंसिपल लीगल एग्रीमेंट्स ऑफ द WTO ट्रेड ट्रीटी. तो यहाँ पे आपको याद होगा जो हमने ट्रिप्स किया था उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, और यहाँ पे हम ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. जैसे डोमेस्टिक फर्म्स हैं जो कि इंटरनेशनल फर्म्स के साथ ऑपरेट करना चाहते हैं मोर इजीली विद इन फॉरेन मार्केट्स. सो पॉलिसीज सच एज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेड बैलेंसिंग रूल्स दैट हैव ट्रेडिशनली बीन यूज्ड टू बोथ प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड कॉम्बैट रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिस आर नाउ बैंड. बट अभी ये बैंड है, बट पहले ये ओपन था अंडर द केस ऑफ ट्रिम्स एग्रीमेंट. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे आपको बताया ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट property and investment measure, intellectual property, investment measure, GATT and WTO. This is the most important points आपके यहाँ पे. तो ये मोस्टली आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हो, बट मैंने अभी स्टार्ट किया है बिजनेस इन्वायरमेंट. तो प्लीज अगर आपने ये टॉपिक छोड़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है दिस इज वेरी वेरी टफ टॉपिक, तो प्लीज आप इसको अच्छे से आप यहाँ पे कर सकते हैं.